कैसे हो यार आप सभी लोग। आई होप आप सभी जो वो बिल्कुल ठीक होंगे। तो एक बार फिर से स्वागत है यार आप सभी लोगों का आपके अपने छोटे से यूट्यूब चैनल आरकेएम में। तो आज हम लेक्चर नंबर 2 के बारे में बात करने वाले हैं, जिसमें हम डिस्कस करेंगे पायरोल की कुछ रिएक्शन के बारे में, जैसे कि नूर सिंथेसिस, पाल नूर सिंथेसिस, जो कि आपको सेमेस्टर एग्जाम में हमेशा जो वो पूछ ही लिया जाता है, जो कि आपके सेमेस्टर एग्जाम के लिए फेमस क्वेश्चन है, और ये विद मैकेनिज्म कई बार आपको जो है वो पूछ लिया जाता है। तो डिटेल इसका मैकेनिज्म भी डिस्कस करने वाले हैं, और पायरोल को कैसे प्रिपेयर किया जाता है वो भी हम जानेंगे। उसके बाद कुछ पायरोल की हम रिएक्शन, जैसे कि रिडक्शन हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया, हमारे पास सल्फोनेशन, नाइट्रेशन, फ्रिडल क्राफ्ट, एसाइलेशन के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए ज्यादा बातें ना शुरू करते हुए अब हम शुरू करते हैं पायरोल की कुछ रिएक्शन के बारे में, जैसे कि पायरोल को जो है वो कैसे प्रिपेयर किया जाता है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि एक सक्सिनामाइड होता है, ठीक है, आप सभी को पता होगा सक्सिनामाइड का फॉर्मूला क्या होता है, कैसे उसको ड्रॉ किया जाता है। तो सक्सिनामाइड को हम क्या करेंगे, जिंक डस्ट के साथ क्या करेंगे, डिस्टिल्ड करेंगे, तो हमारे पास क्या बन के आएगा, पायरोल की हमारे पास क्या हो जाएगी, प्रेपरेशन हो जाएगी। अब देखते हैं सक्सिनामाइड आखिरकार होता क्या है। तो नोटबुक और पेन जो है वो निकाल लीजिए, साथ साथ नोट करते जाइए, आपके भी नोट्स क्या हो जाएंगे, तैयार हो जाएंगे, और आपको भी एग्जाम में क्या हो जाएगी, आसानी हो जाएगी मैकेनिज्म करने के लिए भी। और अगर मान लीजिए आपको ऐसे कई बार रिएक्शन ही दी जाती है, दो मार्क्स की रिएक्शन आपको पूछ ली जाएगी, और ऐसे हमारे पास एरो के ऊपर क्या लिख दिया जाएगा, जिंक डस्ट, ठीक है, जिंक डस्ट आपको ऐसे लिख दिया जाएगा, और यहाँ पर लिखा जाएगा कंप्लीट द रिएक्शन। तो अगर अभी आप नोट्स बना रहे होंगे तो साथ साथ इस रिएक्शन को जो वो लिख लीजिए। ये हमारे पास सक्सिनामाइड, सक्सिनामाइड, ठीक है, ये हमारे पास सक्सिनामाइड, स्पेलिंग की मिस्टेक हो गई तो उसको इग्नोर करना, ठीक है। ये हमारे पास सक्सिनामाइड और जिंक डस्ट के साथ हमारे पास क्या होगा, इसको जब हम डिस्टिल करवाएंगे तो हमारे पास प्रेपरेशन हो जाएगी पायरोल की, ठीक है, किसकी प्रेपरेशन हो जाएगी, पायरोल की। ये हमारे पास पायरोल बन के क्या हो जाएगा, रेडी हो जाएगा। ये थी सबसे पहले प्रेपरेशन मेथड ऑफ पायरोल। अब हम सेकेंड मेथड की बात करेंगे, तो सेकेंड में हम क्या करते हैं, फ्यूरॉन को लेते हैं। फ्यूरॉन जैसे कि फर्स्ट लेक्चर अभी तक आपने नहीं देखा है तो मैं लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। तो फ्यूरॉन के साथ हम क्या करेंगे, जब हम अमोनिया का मिक्सचर लेंगे, फ्यूरॉन और अमोनिया, इन दोनों का मिक्सचर जब हम क्या करेंगे, एलुमिना के थ्रू जो हम क्या करेंगे, पास करवाएंगे इन दोनों का मिक्सचर एट 400 डिग्री सेल्सियस, तो हमारे पास क्या बनेगा, पायरोल बनके जो है वो तैयार हो जाएगा। इसको आप जो है वो इंडस्ट्रियल प्रेपरेशन के नाम से भी जानते हैं, ठीक है, यहाँ पर ऊपर हेडिंग दे दीजिए इंडस्ट्रियल प्रेपरेशन, यहाँ पर लिख दीजिए फ्रॉम सक्सिनामाइड। तो हमारे पास क्या हुआ, फ्यूरॉन को हमने क्या किया, अमोनिया के साथ मिक्स करके क्या किया, 400 डिग्री सेल्सियस पर एलुमिना, ठीक है, एलुमिना के साथ हमने क्या किया, पास करवाया एट 400 डिग्री सेल्सियस। ये हमारे पास टेम्परेचर, इन दोनों का मिक्सचर इसके थ्रू क्या किया, पास करवाया, तो हमारे पास पायरोल बन के जो वो क्या हो गया, रेडी हो गया। तो ये थी हमारी दो रिएक्शन पायरोल को प्रिपेयर करने की। अब हम बात करेंगे कि पायरोल को जो है वो हमारे पास उसके डेरिवेटिव को कैसे प्रिपेयर किया जाता है। जैसे कि पाल नूर सिंथेसिस के बारे में हम जानेंगे, सबसे पहले हम देखेंगे कि नूर सिंथेसिस आखिरकार होती क्या है। तो चलिए देखते हैं, अब हम बात करते हैं नूर सिंथेसिस के बारे में। तो ये आपने आई थिंक नोट कर ली होगी, अगर नहीं किया है तो एक बार बैक कर लीजिए और उसके बाद उसका स्क्रीनशॉट भी आप इसका ले सकते हैं। तो चलिए अब बात करते हैं कि हमारे पास नूर सिंथेसिस के लिए कौन कौन से रिएक्टेंट जो है वो जरूरी होते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे अल्फा एमिनो कीटोन, ठीक है, अल्फा एमिनो कीटोन, ये जो हमारे पास एक जरूरी रिएक्टेंट है, और इसके साथ हम ऐड करते हैं डाई कार्बोनिल, ठीक है, डाई कार्बोनिल, हमारे पास मिथाइल एक्टिव ग्रुप, जो भी मतलब क्या होगा, उसके पास एक क्या होगा, एसिडिक मिथाइल ग्रुप जो है वो क्या होगा, उसके पास होगा, उसको बोलते हैं डाई कार्बोनिल, ठीक है, डाई कार्बोनिल हमारे पास मिथाइल एक्टिव ग्रुप जो है उसको लेंगे, और साथ में हम अल्फा अमीनो कीटोन को लेंगे। जब इन दोनों को रिएक्ट करवाएंगे तो हमें क्या मिलेगा, पायरोल का जो है वो डेरिवेटिव मिलेगा। जैसे कि हमारे पास अल्फा अमीनो कीटोन,
अब हमारे पास क्या है, अल्फा एमिनो कीटोन, या कि हमारे पास अल्फा पोजीशन, यहाँ पर हमारे पास क्या होगा, अमीनो ग्रुप अटैच होगा और ये हमारे पास क्या है, कीटोन। ठीक है, अल्फा ही पोजीशन पर क्या है हमारे पास, कीटोन। ये आ गया हमारे पास अल्फा, फिर अमीनो, ये आ गया अल्फा एमिनो, और उसके बाद क्या आ गया, ये आ गया हमारे पास कीटोन ग्रुप। तो अल्फा एमिनो कीटोन, और उसके साथ में क्या लेना है हमने, डाई कार्बोनिल ग्रुप। क्या लेना है, डाई कार्बोनिल ग्रुप लेना है। ठीक है, ये हमारे पास डाई कार्बोनिल ग्रुप कंटेनिंग एक्टिव मिथाइल ग्रुप। ठीक है, जिसके पास क्या होगा, एसिडिक, जिसके पास एच होगा उसको बोलते हैं हम एक्टिव मिथाइल ग्रुप, वो हमने क्या करना है यहां पर लेना है। ये आ गया हमारे पास कीटोन। ठीक है, साथ में क्या आ गया हमारे पास, कीटोन आ गया। अब क्या होगा, सबसे पहले ये रिएक्शन जो हमारे पास एसिडिक मीडियम में क्या करेगी, प्रोसीड करेगी। तो सबसे पहले हम इसका मैकेनिज्म जो होगा बाद में डिस्कस करेंगे। तो प्रोडक्ट क्या बन के आएगा यहां से हमारे पास, ये हमारे पास जो वो प्रोडक्ट यहां से क्या होगा, प्रिपेयर होके आएगा। ये हमारे पास COED, इसको डेरिवेटिव बोलते हैं। ठीक है, प्योर क्या होते हैं, प्योर जो है हमारे पास ये पायरोल की फॉर्मेशन नहीं करेगा, उसके डेरिवेटिव की फॉर्मेशन जो हमारे पास देखने को जो हमें मिलेगी। ठीक है, ये CH3 या R ग्रुप कोई भी हो सकता है, ये होगा हमारे पास इसका फाइनल प्रोडक्ट। लेकिन हम इसको मैकेनिज्म के थ्रू देखेंगे कि आखिरकार ये फाइनल प्रोडक्ट जो हमारे पास वो कैसे बना, ये जो फाइनल प्रोडक्ट है आखिरकार ये कैसे बना। तो ये हमारे पास इसका फाइनल प्रोडक्ट, और ऊपर आप जो है वो हेडिंग डाल लीजिए, ये हमारे पास नूर सिंथेसिस। ठीक है, नूर सिंथेसिस, नूर सिंथेसिस के बारे में अभी हम क्या कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, उसके बाद हम बात करेंगे पाल नूर सिंथेसिस के बारे में। तो ये हमारे पास नूर सिंथेसिस, यहां पर आपका कोई भी ग्रुप हो सकता है। ठीक है, आर हो सकता है, यहां पर आर भी हो सकता है, जैसे कि मैंने यहां पर CH3 लिखा है, तो कोई भी ग्रुप यहां पर क्या हो सकता है, आपके पास हो सकता है। तो चलिए अब इसका मैकेनिज्म डिस्कस करते हैं। आई होप आप सभी ने जो ये नोट कर लिया होगा, प्रोडक्ट भी आपने देख लिया है। अब इस प्रोडक्ट को बनाने की कोशिश करते हैं मैकेनिज्म के थ्रू, जो कि बहुत ही ज्यादा क्या है, इंटरेस्टिंग मैकेनिज्म है। तो अब बात करते हैं नूर सिंथेसिस के बारे में कि आखिरकार हमारे पास नूर सिंथेसिस में जो है वो किस तरह से जो है वो मैकेनिज्म होता है। ये हमारे पास मैकेनिज्म की हम जो वो बात करने वाले हैं। सबसे पहले हमने क्या लिया था, अल्फा एमिनो कीटोन। इस तरह से आपने जो वो रिएक्टेंट को याद रखना है, तो मैकेनिज्म के थ्रू आसानी से बिल्कुल इंटरेस्टिंग तरीके से जो हमारे पास प्रोडक्ट जो वो रेडी हो जाता है। तो हमने सबसे पहले क्या लिया था, अल्फा एमिनो कीटोन। तो ये हमारे पास अल्फा, अल्फा पोजिशन ये आ गई, यहां पर क्या था, एमिनो ग्रुप था, और यहां पर क्या था हमारे पास, कीटोन था। ठीक है, कीटोन ग्रुप, ये अल्फा एमिनो कीटोन, और यहां पर हमारे पास कौन सा ग्रुप अटैच था, एस्टर वाला ग्रुप। साथ में क्या लिया था हमने इसके, डाई कार्बोनिल ग्रुप। ठीक है, जिसमें क्या था हमारे पास, एक मिथिल एक्टिव ग्रुप था, जो कि हमारे पास एसिडिक एच होता है उसके पास। साथ में हमने क्या लिया था, एक मिथिल एक्टिव ग्रुप। ठीक है, यह आ गया हमारे पास मिथिल एक्टिव ग्रुप ये, और उसके बाद हमने क्या लिया था यहां पर, कीटोन लिया था। रिएक्शन किस मीडियम में हो रही थी, एसिडिक मीडियम में हमारे पास क्या हो रही थी, रिएक्शन हो रही थी, अल्फा एमिनो कीटोन आ गया, और उसके बाद डाई कार्बोनिल, दो कार्बोनिल ग्रुप इसमें प्रेजेंट है, और एक्टिव मिथिल ग्रुप जिसके पास यानी कि एसिडिक एच क्या होगा, प्रेजेंट होगा। इन दोनों को लेना, अब क्या करना है, एसिडिक मीडियम के थ्रू क्या करना है, ये रिएक्शन जो वो प्रोसीड होगी। एसिडिक एसिड यहां पर आप ले सकते हैं। तो जब भी हमारे पास H पॉजिटिव यहां पर क्या होगा, प्रेजेंट होगा, तो आपको पता है कि क्या होगा हमारे पास, इसके बाद क्या होते हैं, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो प्रोटोनेशन सबसे पहले कहां पर होगा, ऑक्सीजन के पास क्या हो जाएगा, प्रोटोनेशन हो जाएगा। तो ऑक्सीजन के पास सबसे पहले प्रोटोनेशन हो गया, तो H क्या हो जाएगा, इसके पास क्या हो जाएगा, हमारे पास अटैच हो जाएगा। अब ऑक्सीजन ने क्या किया, अपने इलेक्ट्रॉन को जो है वो किसको दे दिया है, H को दे दिया है, अपने इलेक्ट्रॉन H को दे दिया है। अब ये तो हमारे पास पता है कि ऑक्सीजन की क्या है, सरासर ऑक्सीजन के साथ क्या हो रही है, ना इंसाफी, क्योंकि इसके ऊपर क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया। तो आपको पता है ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आना, यानी कि ये तो क्या है, इम्पॉसिबल ही है। ठीक है, तो अब ऑक्सीजन अपने ऊपर पॉजिटिव चार्ज को बिल्कुल भी झेल नहीं सकता, तो ये क्या करेगा, यहां से जो अपने इस बॉन्ड को, दोनों इलेक्ट्रॉन को क्या कर लेगा, अपनी तरफ खींच लेगा, क्योंकि ऑक्सीजन क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिव
एटम है, इलेक्ट्रॉन को आसानी से क्या करेगा, खींच लेगा, क्योंकि इसके पास क्या हो गई थी, इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई थी। अब यहां से क्या है, नाइट्रोजन के पास आपको पता है क्या है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो यहां पर नाइट्रोजन के लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, कार्बन क्या हो गया, भिखारी हो गया, ये क्या था, अमीर था, इसने क्या किया, भिखारी को क्या दे दिए, पैसे दे दिए। तो यहां से हमारे पास नाइट्रोजन अपने लोन पेयर जो है वो किसको दे देगा, कार्बन एटम को दे देगा। अब नाइट्रोजन ने अपने लोन पेयर दे दिए यानी कि अपने पैसे दे दिए, तो थोड़ा सा गरीब तो ये भी हो जाएगा, ठीक है, यानी कि पॉजिटिव चार्ज जो है इसके ऊपर आ जाएगा। तो अब हम बात करते हैं नेक्स्ट स्टेप के अंदर हमारे पास क्या होगा, तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट स्टेप के अंदर हमारे पास क्या होगा। क्या हुआ, यहां पर ऑक्सीजन का प्रोटोनेशन हो गया, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आया, इसने यहां से क्या किया, इस बॉन्ड के दो दो इलेक्ट्रॉन है अपनी तरफ खींच लिए, कार्बन क्या हो गया, भिखारी हो गया। उसके बाद नाइट्रोजन ने क्या किया, अपने दोनों इलेक्ट्रॉन को जो है वो कार्बन को दे दिया और इसके साथ क्या बना लिया, बॉन्ड बना लिया। तो चलिए देखते हैं हमारे पास क्या हुआ, यहां पर ये हमारे पास एस्टर ग्रुप एज इट इज अटैच रहेगा, ये हमारे पास कीटोन ग्रुप भी क्या रहेगा, एज इट इज अटैच रहेगा, और नाइट्रोजन ने किसने बॉन्ड बनाया है, नाइट्रोजन ने यहां पर क्या बनाया है, बॉन्ड बनाया है, किसके साथ बनाया है, कार्बन के साथ, इस वाले कार्बन के साथ। इस कार्बन के साथ क्या क्या प्रेजेंट है हमारे पास, एक तो हमारे पास एस्टर ग्रुप प्रेजेंट है, या क्या हमारे पास एस्टर ग्रुप, और उसके बाद हमारे पास एक साथ में सी एच थ्री जो इसके अटैच है, और साथ में क्या है OH, ठीक है, OH जो हमारे पास अटैच है, पहले पॉजिटिव था पर नेगेटिव लिया, पॉजिटिव नेगेटिव न्यूट्रलाइज, ऑक्सीजन तो क्या हो गया, खुश हो गया क्योंकि इसके ऊपर अब कोई चार्ज नहीं रहा, ठीक है। अब चार्ज किसके ऊपर आएगा, नाइट्रोजन के ऊपर आएगा, नाइट्रोजन के पास क्या है, दो एच है, क्योंकि आपको पता है नाइट्रोजन जो है वो तीन बॉन्ड बनाता है, यहां पर तो इसने चार बॉन्ड बना लिए है, जिसकी वजह से इसके ऊपर क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया, क्योंकि अपने इलेक्ट्रॉन क्या किए थे इसने, कार्बन को दे दिए थे। अब अपने पॉजिटिव चार्ज को हटाने के लिए क्या करेगा, ठीक है, नाइट्रोजन की चलाकी देखिए, पॉजिटिव चार्ज को हटाने के लिए ये भी हमारे पास हाइड्रोजन से क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन जो है यहां से इस बॉन्ड से ले लेगा, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज क्या हो जाएगा, न्यूट्रलाइज हो जाएगा। कितना इंटरेस्टिंग मैकेनिज्म है, क्या करेगा, यहां से नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आया, ये इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एटम है, अब क्या करेगा, हाइड्रोजन और इसके बीच में जो बॉन्ड बना था दो इलेक्ट्रॉन को मिलकर, वो दोनों इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, रख लेगा और हाइड्रोजन को भगा देगा कि भाई तू यहां से भाग जा, ठीक है। अब हाइड्रोजन जो है यहां से भागने की जब कोशिश करेगा, ऑक्सीजन फिर से क्या रेडी बैठा है उधर, ठीक है, ऑक्सीजन क्या करेगा, इस हाइड्रोजन को जो वो ले लेगा अपने पास। तो नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास क्या बन के आएगा वो देखते हैं, ये हमारे पास बन गया था, ठीक है, ये हमारे पास जो है वो एस्टर ग्रुप यहां पर अटैच है, नाइट्रोजन ने क्या किया, हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन ले लिया, इसका जो है पॉजिटिव चार्ज क्या हो गया, न्यूट्रलाइज हो गया, और कार्बन के साथ हमारे पास कौन कौन से ग्रुप अटैच है, एक तो एस्टर ग्रुप अटैच है और एक सी एच थ्री यहां पर क्या है अटैच है। अब ऑक्सीजन ने इस हाइड्रोजन को ले लिया है, तो फिर से ऑक्सीजन ने अपने इलेक्ट्रॉन दिए है, तो फिर से को इसके ऊपर कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज इसके ऊपर जो वो फिर से क्या हो जाएगा, जेनरेट हो जाएगा। ये हमारे पास क्योंकि इसके पास दो हाइड्रोजन आ गए, एक पहले था एक बाद में आ गया, ये आ गया इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज। अब यहां से क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज आने के बाद फिर नाइट्रोजन जो है वो क्या हो सकता है, शांत तो हो नहीं सकता है, इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, लेके ही छोड़ेगा, ठीक है, क्योंकि जनरली ऑक्सीजन के ऊपर आपको पता है नेगेटिव चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज जो है वो नहीं होता है। तो हमारे पास क्या हुआ, अब ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया, तो यहां से क्या करेंगे, हम जेल को जो है वो क्या करेंगे, बाहर निकाल देंगे पानी को, ओ एच टू ओ यहां से क्या हो जाएगा, माइनस एच टू ओ, ठीक है, पानी को हमने यहां से छोड़ दिया। अब क्या हुआ, यहां पर कार्बन के पास क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज यहां पर क्या आने वाला था, लेकिन यहां पर आपको पता है दो हाइड्रोजन एटम हमारे पास क्या है, अटैच है, दो हाइड्रोजन एटम अटैच है, तो जैसे ही हमारे पास कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आने लगेगा, तो ये वाला हाइड्रोजन जो अपने क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन यहां पर कार्बन को दे देगा और खुद जो वो बाहर निकल जाएगा। तो नेक्स्ट स्टेप मैं यहां पर बनाता हूं क्योंकि जगह बहुत ही ज्यादा कम बची है, ठीक है, थोड़ा छोटा छोटा लिखता हूं क्योंकि आपको दिखाने के चक्कर में मैंने क्या किया, बड़ा बड़ा लिख दिया है। तो अब हम नेक्स्ट स्टेप में देखते हैं हमारे पास क्या होगा, ये है हमारे पास एस्टर ग्रुप, साथ में क्या इसके अटैच है, और साथ में हमारे पास क्या है, नाइट्रोजन यहां पर क्या है अटैच है, ठीक है, कार्बन को तो वहां से इलेक्ट्रॉन मिल गए और इसके पास अब एक हाइड्रोजन बचा है, क्योंकि एक तो क्या हो गया, इसके जो वो बाहर निकल गया एक हाइड्रोजन,
और यहाँ पर CH3 ग्रुप अटैच है, जेल को तो हमने क्या किया है, बाहर निकाल दिया है। अब क्या होगा हमारे पास, अब ये वाला जो ऑक्सीजन एटम है ये क्या करेगा, यहां से इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, खींच लेगा, और ये वाला कार्बन एटम जो है वो क्या करेगा, यहां पर अटैक कर देगा। यानी कि यहां पर हमारे पास क्या होगा, 5 मेंबर रिंग जो है वो बनना क्या हो जाएगी, शुरू हो जाएगी, और साइक्लाइजेशन होना जो है वो शुरू हो जाएगी। ठीक है, आई थिंक आपने ये सभी स्टेप जो वो नोट कर लिए होंगे, जगह की कमी से मैं इन स्टेप को सारे को क्या कर रहा हूँ, रन कर रहा हूँ। अगर अभी तक आपने नोट नहीं किया तो प्लीज एक बार इन्हें नोट कर लीजिए। ठीक है, आई थिंक कर लिए होंगे नोट आप, मैं इनको यहां से क्या करने वाला हूं, रब करने वाला हूं। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो आप ले सकते हैं, मुझे तो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग मैकेनिज्म लगता है ये नोट सिंथेसिस का, आई थिंक आपको भी जो मजा आ रहा होगा। ठीक है, आप एग्जाम में जो फुल मार्क्स इसके थ्रू जो वो ऑब्टेन कर सकते हैं। अब क्या होगा हमारे पास, यहां से इलेक्ट्रॉन, आपको पता है नाइट्रोजन के पास क्या है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये यहां पर दे देगा, और यहां से इलेक्ट्रॉन कहां चले जाएंगे, इस जगह चले जाएंगे। तो नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास क्या होगा, 5 मेंबर रिंग की क्या हो जाएगी, फॉर्मेशन हो जाएगी। ऑक्सीजन के ऊपर क्या आ गया, नेगेटिव चार्ज आ गया। अब हमारे पास यहां पर क्या अटैच है, एस्टर ग्रुप जो हमारे पास क्या है, यहां पर अटैच है, यानी कि एस्टर ग्रुप इसके साथ क्या है, जुड़ा हुआ है। नाइट्रोजन अपने क्या दिए, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन दिए, तो फिर से क्या होगा, नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज जो हमारे पास फिर से क्या हो जाएगा, जेनरेट हो जाएगा। ये हमारे पास नाइट्रोजन के ऊपर जो है वो पॉजिटिव चार्ज क्या हो गया, जेनरेट हो गया एक बार फिर से। ठीक है, और यहां पर एस्टर ग्रुप अटैच था, और यहां पर हमारे पास CH3, यहां पर भी CH3 हमारे पास लगा हुआ है, पीछे आई थिंक मैंने R लगाया था, ये CH3 मुझे याद नहीं है, वो आप जो वो देख लेना। अब क्या होगा यहां पर, फिर से हमारे पास क्या करेंगे, अब आपको पता है नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन के ऊपर आ गया है, एसिडिक मीडियम जो वो रिएक्शन में क्या है, प्रेजेंट है, तो करवा दो प्रोटोनेशन। ठीक है, फिर से यहां से एच ले लेगा, पॉजिटिव नेगेटिव क्या हो जाएंगे, न्यूट्रलाइज हो जाएंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या किया, इसका प्रोटोनेशन जो है वो करवा दिया। तो नेक्स्ट स्टेप में यहां ना लिख के क्या कर रहा हूं, यहीं पे लिख रहा हूं, इस नेगेटिव चार्ज को क्या किया हमने, गायब कर दिया, नेगेटिव पॉजिटिव आपस में क्या हो गए, न्यूट्रलाइज हो गए, और इसने यहां से क्या किया, एक बॉन्ड बना लिया। ठीक है, ऑक्सीजन हाइड्रोजन का बॉन्ड बन गया। तो अब हम बात करते हैं नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास क्या होगा, अब यहां पर क्या है, एक एच क्या है और प्रेजेंट है, तो यहां से क्या होगा, ये वाला एच हमारे पास क्या होगा, इधर आएगा, और ये वाला पॉजिटिव चार्ज जो हमारे पास इधर आ जाएगा। ठीक है, यहां पर भी हमारे पास एक एच जो है वो प्रेजेंट है। क्या होगा हमारे पास, क्या बोला एक बार फिर से ध्यान से सुनिए, ये वाला एच जो अब क्या करेगा, बाहर निकल जाएगा, अपने दोनों इलेक्ट्रॉन यहां पर छोड़ जाएगा, यहां पर डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन हो जाएगी, नाइट्रोजन का भी जो वो पॉजिटिव चार्ज क्या हो जाएगा, हट जाएगा, नाइट्रोजन को खुशी हो जाएगी, क्योंकि वो क्या हो गया है, पॉजिटिव चार्ज से मुक्त हो गया है, उसके लोन पर फिर से उसके पास जो वो वापिस आ गए हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास जो होगा वो क्या होगा, यहाँ पर CH3 ग्रुप अटैच है, उसके साथ में OH जो वो लगा हुआ है, और नीचे हमारे पास क्या है, एस्टर ग्रुप जो वो क्या है, अटैच है। ठीक है, फिर से एक बार ध्यान रखिए, हम ये जो है वो पायरोल का डेरिवेटिव बना रहे हैं। ठीक है, प्योर पायरोल की फॉर्मेशन नहीं कर रहे हैं। अब यहां पर क्या अटैच था हमारे पास, हाइड्रोजन था, वो तो बेचारा क्या किया उसने, अपने इलेक्ट्रॉन छोड़े चला गया। ठीक है, बड़ा शरीफ है हाइड्रोजन हमारे पास, उसने अपने इलेक्ट्रॉन दिया और क्या हो गया, बाहर चला गया। अब यहां पर हमारे पास एस्टर ग्रुप जो है वो क्या है, साथ में अटैच है, एस्टर ग्रुप यहां पर अटैच है, और यहां पर कार्बन के साथ हमारे पास क्या लगा हुआ है, एक CH3 ग्रुप जो है वो अटैच है। नाइट्रोजन के पास तो इलेक्ट्रॉन आ गया, यहां पर डबल बॉन्ड आ गया, और नाइट्रोजन के पास जो एक हाइड्रोजन और क्या है, अटैच है। अब ये हाइड्रोजन जो मैंने यहां पर आपको दिखाया था, बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है। अब क्या होगा यहां पर हमारे पास, ये वाला हाइड्रोजन जो है, ध्यान से सुनिए, ये वाला हाइड्रोजन जो है अपने इलेक्ट्रॉन यहां पर छोड़ देगा। अब ये वाला हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन छोड़ देगा तो इसका बाप भी जो यहां पर बैठा हुआ है, कौन, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन जल्दी से क्या करेगा, इस हाइड्रोजन को पकड़ लेगा, इसके ऊपर फिर से क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, ऑब्वियस सी बात है, यहां से क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन ले लेगा और फिर से जल जो है वो बाहर निकल जाएगा। तो इसको स्टेप को इजी बनाने के लिए हम एक ही स्टेप में जो पानी बाहर निकाल देते हैं, और हमारे पास ये नूर सिंथेसिस का प्रोजेक्ट नहीं, प्रोडक्ट जो है वो बनकर आ गया। ठीक है, प्रोजेक्ट नहीं बनकर आ गया, प्रोडक्ट बनकर आ गया। तो नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास क्या बनेगा, 5 मेंबर रिंग के साथ जो है ये, जैसे कि नाइट्रोजन अटैच है यहां पर,
दो डबल बोन यहाँ पर आ चुके हैं, यहाँ पर हमारे पास एस्टर ग्रुप जो है वो प्रेजेंट है, यहाँ पर हमारे पास मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है, यहाँ पर भी हमारे पास मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है, और यहाँ पर भी हमारे पास क्या है, एस्टर ग्रुप जो है वो प्रेजेंट है। नाइट्रोजन क्या हो गया है, मुक्त हो गया, तनाव मुक्त हो गया है, क्योंकि इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज था। अब ये खुशी खुशी अपनी जिंदगी जी लेगा, ठीक है, खुशी खुशी अपनी जिंदगी को जी लेगा। तो ये था हमारे पास नूर सिंथेसिस का मैकेनिज्म। तो आई थिंक आपको बहुत ही ज्यादा पसंद आया होगा, क्योंकि बहुत ही ज्यादा अच्छे से मैंने आपको बारीकी से समझाया है कि नूर सिंथेसिस आखिरकार क्या होती है। फिर से एक बार प्रोडक्ट को याद करवा देता हूं। सबसे पहले हम लेते हैं इसमें अल्फा एमिनो कीटोन, क्या लेते हैं, अल्फा एमिनो कीटोन। उसके बाद इसके साथ में हम जो लेते हैं अल्फा एमिनो कीटोन के साथ में हम लेते हैं डाई कार्बोनिल ग्रुप, ठीक है, डाई कार्बोनिल ग्रुप, जिसमें क्या होता है, एक एक्टिव मिथिल ग्रुप, यानी कि उसके पास एसिडिक एच क्या होता है, प्रेजेंट होता है। तो अब हम बात करेंगे पाल नूर सिंथेसिस को छोड़कर, सॉरी अब हम बात करने वाले हैं पाल नूर सिंथेसिस के बारे में। आई थिंक आप सभी ने ये नोट कर लिया होगा, अगर नहीं किया अभी तक तो एक बार आप इसका जो वो स्क्रीनशॉट जो वो ले सकते हैं, ठीक है। आई थिंक आपने अभी स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। चलिए शुरू करते हैं फिर पाल नूर सिंथेसिस के बारे में। ये हमने डिस्कस किया नूर सिंथेसिस के बारे में, जो कि एग्जाम में आपको बहुत ही अच्छे तरीके से जो है लिखकर आना है, विद मैकेनिज्म आपको बताकर आना है, फिर आपका जो है वो एक नंबर भी कोई नहीं काट सकता, पूरे पूरे मार्क्स आपको यहां पर मिलेंगे, ठीक है। तो हमने बनाया था ये पायरोल का पहला डेरिवेटिव। अब हम दूसरे डेरिवेटिव के बारे में बात करने वाले हैं, जो कि हम बात करेंगे नूर सिंथेसिस के बाद उसके आगे लग गया पाल नूर सिंथेसिस, ठीक है। अब हम बात करने वाले हैं पाल नूर सिंथेसिस के बारे में। तो चलिए देखते हैं पाल नूर सिंथेसिस के जो हमारे पास प्रोडक्ट होंगे वो क्या, सॉरी रिएक्टेंट है वो क्या क्या होंगे। तो पाल नूर सिंथेसिस में हम सबसे पहले क्या लेंगे, 1,4-डाइकीटोन, 1,4-डाइकीटोन को हम या तो अमोनिया के साथ या प्राइमरी अमीन के साथ जो है वो ट्रेड करवाएंगे, तो हमारे पास क्या बनेगा, उसका प्रोडक्ट जो है वो क्या हो जाएगा, डेरिवेटिव, यानी कि उसका जो है वो रेडी हो जाएगा, ठीक है। ये हमारे पास पाल नूर सिंथेसिस, पाल नूर सिंथेसिस, ठीक है, ये है हमारे पास पाल नूर सिंथेसिस। तो अब हम जो है वो देखने वाले हैं पाल नूर सिंथेसिस के बारे में। तो पाल नूर सिंथेसिस के मेन जो लीड कैरेक्टर है, जैसे कि तारक मेहता का उल्टा चश्मा, आप सभी आई थिंक देखते ही होंगे, अगर नहीं देखते कोई भी मूवी आपने देखी होगी, उसके जो लीड कैरेक्टर होते हैं मेन, वैसे ही यहाँ पर जो है वो मेन लीड कैरेक्टर है हमारे पास 1,4-डाइकीटोन, 1,4-डाइकीटोन के साथ प्राइमरी अमीन या अमोनिया को जो आप ले सकते हैं। जैसे कि तारक मेहता का उल्टा चश्मा में मुझे जो है वो जेठालाल एंड बबीता जो वो मेन कैरेक्टर जो है वो लगते हैं, ठीक है। आई थिंक आपको जो है शायद वही लगते होंगे या अदर भी हो सकते हैं। तो पाल नूर सिंथेसिस के अंदर जैसे कि मैंने आपको बताया कि मेन जो रिएक्टेंट है हमारे पास, जिनके थ्रू हम प्रोडक्ट बना सकते हैं, तो मेन कैरेक्टर जो हमारे पास यहां पर है वो है 1,4-डाइकीटोन, एंड सेकंड है हमारे पास या तो प्राइमरी अमीन या हमारे पास अमोनिया आप ले सकते हैं। तो चलिए अब देखते हैं 1,4-डाइकीटोन आखिरकार होता क्या है, 1,4-डाइकीटोन, ठीक है, 1,4-डाइकीटोन, एंड इसके साथ में क्या है हमारे पास, 1,4-डाइकीटोन के साथ में आएगा हमारे पास या तो आप अमोनिया ले लो या इसके साथ हमारे पास प्राइमरी अमीन, ये हमारे पास प्राइमरी अमीन और ये हमारे पास क्या है, अमोनिया, ठीक है, ये हमारे पास अमोनिया और ये हमारे पास प्राइमरी अमीन, 1,4-डाइकीटोन, यानी कि फोर्थ पोजीशन पर क्या होगा, कीटोन होगा, ठीक है, 1,4-डाइकीटोन, ये आ गई हमारे पास 1,4-डाइकीटोन, इसको जो हम क्या बोलते हैं, 1,4-डाइकीटोन, ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, 1,4-डाइकीटोन, क्या बोलते हैं इसको हम, 1,4-डाइकीटोन इसको हम बोलते हैं। तो कौन कौन से हमारे पास आगे मेन कैरेक्टर, 1,4-डाइकीटोन, एंड या तो आप प्राइमरी अमीन ले लो या आप अमोनिया जो है वो यूज कर सकते हैं, किसमें, पाल नूर सिंथेसिस के अंदर।
तो अब हम देखते हैं इसका मैकेनिज्म आखिरकार होता कैसे है। दो प्रोडक्ट हमने ले लिए हैं, अब इनको जो हमने क्या करना है, मैकेनिज्म के थ्रू क्या करना है, इसका प्रोडक्ट जो है वो जेनरेट करना है। रिएक्टेंट तो हमें पता लग गए हैं, जो कि मूवी में जो है वो बिल्कुल मेन रोल जो है वो प्ले करने वाले हैं, जिनके बिना जो है वो मूवी पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, पूरी जो हमारे पास मैकेनिज्म है इनके बिना जो वो पॉसिबल ही नहीं है। तो मेन लीड कैरेक्टर हमने जो अपने ले लिए हैं, सबसे पहले हमने लिया था 1,4-डाइकीटोन। ठीक है, कौन कौन सा लिया था, ये हमारे पास ये स्त्री अटैच था, यहाँ पर ओ ग्रुप अटैच था, ठीक है, यहाँ पर भी ओ ग्रुप अटैच था, और यहाँ पर क्या था CH3 जो हमारे पास क्या था अटैच था। साथ में हमने क्या लिया, प्राइमरी अमीन को जो हम क्या करने वाले हैं, यूज करने वाले हैं। अब मैंने इसको इस तरह क्यों लिखा घुमा के, क्योंकि हमने क्या करना है, यहां से पानी को जो है वो क्या करना है, एलिमिनेट करना है। ठीक है, पानी को हमने क्या करना है, बाहर निकाल दिया, पानी को हमने क्या किया, यहां से बाहर जो है वो फेंक दिया। ठीक है, पानी हमारे पास यहां से क्या हो गया, बाहर निकल गया। यहां पर CH3 अटैच था, यहां पर O अटैच है। अब यहां पर डबल बॉन्ड की जगह क्या आ जाएगा, पानी तो बाहर निकल गया, NR बचा, तो डबल बॉन्ड क्या आ जाएगा, N और इसके साथ में क्या आ जाएगा, R। यहां पर CH3 जो है वो क्या है, अटैच है। ठीक है, अब यहां पर फिर से आपको पता है नाइट्रोजन क्या है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो यहां से क्या करेगा, दोनों इलेक्ट्रॉन को खींच लेगा, हाइड्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन दे देगा, नाइट्रोजन के ऊपर क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज, हाइड्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव नेगेटिव आपस में क्या करेंगे, बॉन्ड बना लेंगे। ठीक है, पॉजिटिव नेगेटिव आपस में क्या करेंगे, एक साथ बॉन्ड बना लेंगे। ठीक है, हाउ इज द जोश, वैसे ही क्या करेंगे, हमारे पास क्या करेंगे, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन जो आपस में क्या करेंगे, बॉन्ड बना लेंगे, क्योंकि इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज, यहां से इसने इलेक्ट्रॉन लिया नेगेटिव चार्ज, पॉजिटिव और नेगेटिव आपस में क्या करेंगे, बॉन्ड बना लेंगे। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा हमारे पास, ये हमारे पास यहां पर ओ ग्रुप अटैच है, यहां पर CH3 जो है वो अटैच है, और इसके साथ में क्या हुआ, यहां पर डबल बॉन्ड जो है वो हट चुका है नाइट्रोजन के साथ, अब क्या आ गया, एक हाइड्रोजन आ गया, और एक इसके साथ क्या है, R ग्रुप जो है वो अटैच है। ठीक है, और यहाँ पर CH3 जो है वो लगा हुआ है, और यहाँ पर क्या आ गया, दोनों इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन ने अपने यहाँ पर दे दिए, तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया। नाइट्रोजन के पास क्या है, अब लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, दोनों इलेक्ट्रॉन अपनी साइड खींचेगा, यहाँ से क्या करेगा, नाइट्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, भिखारी कार्बन को फिर से दे देगा। ठीक है, भिखारी कार्बन को फिर से नाइट्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन क्या कर देगा, प्रोवाइड जो है वो करवा देगा। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा इसके, इसके नेक्स्ट स्टेप में हम देखते हैं, नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास जो है ये प्रोडक्ट बनेगा। ठीक है, पूरा प्रोडक्ट तो नहीं, मतलब क्या बनेगा, बीच में जो इंटरमीडिएट बनते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास यहाँ पर डबल बॉन्ड है, अब 5-मेंबर रिंग की क्या हमें पता है क्या हो गई है, फॉर्मेशन जो है वो हो गई है। ठीक है, इसके साथ एक R ग्रुप अटैच है और एक जो है H ग्रुप जो है वो अटैच है। नाइट्रोजन ने अपने लोन पेयर दिए, क्या गया इसके ऊपर, क्या गया इसके ऊपर, पॉजिटिव चार्ज आ गया। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर क्या हो गया, इसके ऊपर आ गया, ऑक्सीजन के ऊपर क्या आ गया था, नेगेटिव चार्ज, और यहाँ पर जो है वो CH3 ग्रुप एज इट इज क्या है, अटैच है। अब क्या होगा हमारे पास, यहां से जो हमारे पास क्या होगा, नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, तो हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन क्या कर लेगा, मेरे को दे दे। ठीक है, इलेक्ट्रॉन क्या कर दे, मेरे को दे दे, और खुद जो है वो बाहर चले जा। जब यहां पर जो नाइट्रोजन है वो क्या करेगा, हाइड्रोजन के दोनों इलेक्ट्रॉन को जो वो अपनी तरफ ले लेगा। जब हमारे पास क्या होगा, ये वाला नाइट्रोजन है, ये क्या करेगा, इन दोनों हाइड्रोजन के ये जो दो इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, ये जो दो इलेक्ट्रॉन है, जब इनको ले लेगा तो हाइड्रोजन के ऊपर क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज, ऑक्सीजन इसका बाप यहां पर बैठा हुआ है, ये क्या करेगा, जल्दी से अटैक कर देगा, और पॉजिटिव नेगेटिव न्यूट्रलाइज होकर यहां पर जो है वो OH की जो है वो फॉर्मेशन हो जाएगी। ठीक है, यहां पर अब देखता हूं मैं, आई थिंक आपको विजिबल है या नहीं, मुझे चेक करना पड़ेगा। ठीक है, नहीं तो मैं यहां पर ही बना दूंगा, या आप ऐसा करो कि इसको आप नोट कर लो और मैं इसको रब कर देता हूं। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो, नोट कर लो, जैसा भी आपको करना है। तो आई थिंक आप सभी ने अभी तक जो वो स्क्रीनशॉट जो ले लिया होगा या नोट करना है, तो आराम से पॉज करके जो वीडियो को नोट कर सकते हो। पीछे वाला मैं सारा मटेरियल जो है वो रब कर रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि बोर्ड के ऊपर आपको पता है जगह जो है वो बहुत ही ज़्यादा कम है। ये है हमारे पास बन गया। ठीक है, ये था CH3। क्या हुआ यहाँ पर,
ऑक्सीजन ने क्या किया, हाइड्रोजन को चुरा लिया, नाइट्रोजन ने हाइड्रोजन को अपने घर से बाहर निकाल दिया। दो काम जो यहाँ पर हो रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर ये क्या है, सी एच थ्री हमारे पास अटैच है, यहाँ पर ओ एच बन गया, यहाँ पर क्या है नाइट्रोजन के ऊपर जो पॉजिटिव चार्ज था वो हट गया, साथ में आर ग्रुप अटैच है, यहाँ पर सी एच थ्री जो है वो भी लगा हुआ है। अब आपको पता है बिल्कुल पीछे वाला स्टेप यहाँ पर करना है, जेल को क्या करना है, छोड़ देना है, और हमारे पास क्या हो जाएगा, एक और पानूर सिंथेसिस का प्रोडक्ट जो है वो आपके सामने बनकर रेडी हो जाएगा, ठीक है। ये बनेगा हमारे पास फाइनल प्रोडक्ट। पानी को यहाँ से क्या किया, माइनस H2O, ठीक है, बाहर निकाल दिया, और हमारे पास जो मेन प्रोडक्ट था वो बनकर जो है वो आपके सामने तैयार हो चुका है, ठीक है। खाना जो है वो रेडी है, ठीक है, प्रोडक्ट जो आपके सामने क्या हो चुका है, बिल्कुल रेडी हो चुका है। तो ये था हमारे पास पाल नूर सिंथेसिस का प्रोडक्ट। हमने आज कौन कौन सी प्रोसेस डिस्कस की, नूर सिंथेसिस के बारे में, पाल नूर सिंथेसिस के बारे में। ये आपके लिए जो है वो सेमेस्टर एग्जाम के लिए, मतलब पूछो ही मत, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैकेनिज्म के जो थ्रू है ये क्वेश्चन कई बार 5 नंबर का पूछ लिया जाता है, या आपको ऐसे रिएक्शन दे दी जाएगी और बोला जाएगा कंप्लीट द रिएक्शन, जैसे मैंने आपको पहले बताया था प्रेपरेशन ऑफ पायरोल में। अब हम बात करेंगे पायरोल की इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के बारे में, जो कि मैंने ऑर्डर आपको लेक्चर नंबर 1 में बताया था कि जो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है वो पायरोल की कौन सी पोजीशन पर होती है, ठीक है। तो अब हम देखते हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब आप नोटबुक के ऊपर जो है वो, क्योंकि बहुत सारी रिएक्शन एक साथ ही होगी और जो आपने 11th 12th में अक्सर पढ़ी ही होती है, ठीक है, एक अच्छा सा क्या करना है, यहाँ पर पायरोल जो है वो क्या करना है, बना देना है और उसकी रिएक्शन फटाफट क्या करना है, करवाते जानी है, ठीक है, पायरोल की रिएक्शन। ये हमने जो वो पायरोल क्या किया, अच्छे से जो है वो बना लिया, ठीक है, पायरोल हमारे पास बन के रेडी हो चुका है। अब क्या करना है, इसकी रिएक्शन करवानी है, तो सबसे पहले हम करवाएंगे हैलोजिनेशन, ठीक है। अब ऊपर आप हेडिंग खुद लिख लेना, मैं सिर्फ यहाँ पर रिएक्शन करवाऊंगा, ठीक है। हैलोजिनेशन जब हम करवाएंगे, आई थिंक ये छोटा पड़ेगा, मैं थोड़ा पूरा देखने के लिए थोड़ी सी यहाँ से इतना सैरो लगाता हूँ, ठीक है। जब हम हैलोजिनेशन करवाएंगे तो मैं ब्रोमिनेशन करवा रहा हूँ, आप क्लोरीनेशन या आयोडिनेशन करवा सकते हैं। तो हैलोजन ग्रुप जो हमारे पास पोजीशन नंबर 1, 2, 3 एंड 4, ठीक है, सॉरी 1 यहाँ पर आ गया, 2 यहाँ पर आ गया, 3 और यहाँ पर आ गया, 4 और यहाँ पर आ गया 5, ठीक है। 2 और 5 क्या थी, इक्विवेलेंट पोजीशन थी, 3 और 4 क्या थी, इक्विवेलेंट पोजीशन थी, क्योंकि इसमें क्या था, POS प्रेजेंट था, ठीक है। ये और ये आपस में रिफ्लेक्ट कर रहे थे, ये और ये आपस में क्या कर रहे थे, रिफ्लेक्ट कर रहे थे, तो जिसकी वजह से इक्विवेलेंट पोजीशन इनको माना जाता है। तो जब हम ब्रोमिनेशन करवाएंगे तो हमारे पास पायरोल के केस में जो है वो सारी पोजीशन जो है वो ब्रोमिन क्या कर लेगा, ऑक्यूपाई कर लेगा, ठीक है, सारी पोजीशन, यहां ब्रोमिन, ये भी ब्रोमीन और यहाँ पर भी क्या आ जाएगा, ब्रोमीन आ जाएगा, ठीक है। यानी कि 1, 2, 3, 4, 5, यानी कि 2, 3 फिर उसके बाद 4, 5, कितने ब्रोमीन है, 1, 2, 3, 4 टेट्रा, ठीक है, टेट्रा पायरोल ये बनेगा हमारे पास, ठीक है। जब हम क्या करवाएंगे, इसकी हेलोजिनेशन करवाएंगे। अब हम सेकंड के ऊपर करवाते हैं इसकी नाइट्रेशन के बारे में, ठीक है, नाइट्रेशन HNO3 एंड H2SO4 की प्रेजेंस पे, ठीक है, ये हमारे पास। तो नाइट्रेशन में आपको पता है कि इलेक्ट्रोफाइल कौन सा ग्रुप होता है, NO2 पॉजिटिव, ठीक है, ये होता है इलेक्ट्रोफाइल। तो ये इसकी सेकंड पोजीशन पर जाके क्या हो जाएगा, अटैच हो जाएगा, ठीक है। अब सेकंड पोजीशन पर अटैच क्यों होगा, जो इस लेक्चर को डायरेक्ट देख रहे हैं उनको पता नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि पहले लेक्चर में मैंने आपको ये बताया है कि ये जो हमारे पास सेकेंडरी पोजीशन पर क्यों अटैच हो रहा है, थर्ड पर या फोर्थ पर जो वो क्यों अटैच नहीं हो रहा है, ठीक है। तो NO2 जो हमारे पास सेकेंड पोजीशन पर अटैच हो जाएगा, बाकी एज इट इज जो हमारे पास ऐसे ही रहेगा, ठीक है। अब इसके बाद हम बात करते हैं, नाइट्रेशन होगी सल्फोनेशन के बारे में, ठीक है, जिसमें SO3H हमारे पास क्या हो जाता है, इसके ऊपर अटैच हो जाएगा। तो ये हमारे पास सल्फोनेशन, ठीक है, इसके ऊपर जो है वो सेकंड पोजीशन पर SO3H ग्रुप जो है वो क्या हो जाता है, अटैच हो जाता है। इसको हम बोलते हैं 1, 2, ठीक है, 2 नाइट्रो पायरोल, ठीक है,
राइटिंग बड़ी ही ज़्यादा बेकार आई थिंक आपको नज़र आ रहा है या नहीं वो मुझे पता नहीं है। 2-नाइट्रो पायरोल, ठीक है, 2-नाइट्रो पायरोल, और इसको क्या बोलते हैं हमारे पास, इसको बोलते हैं पायरोल 2-सल्फोनिक एसिड, ठीक है, 1-2 पायरोल। सेकेंड पोजिशन पे क्या रहता है, सल्फोनिक एसिड, ठीक है, ये आप खुद भी नोट कर सकते हैं इनके नाम, ठीक है, पायरोल 2-सल्फोनिक एसिड और यहाँ पर 2-नाइट्रो पायरोल जो वो बन के तैयार हो जाएगा। अब इसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं इसकी रिडक्शन के बारे में, जो कि H2 और PT की प्रेजेंस पे होती है 473 केल्विन पे, ठीक है, 473 केल्विन पे। तो हमारे पास ये दोनों डबल बॉन्ड जो है वो पायरोल के क्या हो जाते हैं, रिड्यूस हो जाते हैं अंदर के, ठीक है, दोनों डबल बॉन्ड जो है इनका क्या हो जाता है, रिडक्शन हो जाता है, ये दोनों बॉन्ड जो क्या हो जाते हैं, गायब हो जाते हैं, इसको बोलते हैं पायरोलिडीन, ठीक है, पायरोलिडीन, ठीक है, स्पेलिंग आप खुद देख लेना, ठीक है, मैंने पहले ही आपको बताया था कि स्पेलिंग में मिस्टेक हो सकती है। तो हमारे पास क्या है, हमने क्या करवा लिया, इसका हेलोजिनेशन हो गया, नाइट्रेशन हो गया, सल्फोनेशन हो गया यहाँ पर, ठीक है, सल्फोनेशन SO3H ग्रुप अटैच हो गया, रिडक्शन हो गया, अब हमें बचा है ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन जब हमारे पास इसका होगा, ऑक्सीडेशन CrO3 एंड H2SO4 की प्रेजेंस में, ठीक है, जब हमारे पास ऑक्सीडेशन होगा आई थिंक आपको विजिबल होगा, तो हमारे पास जो है वो क्या बन के आएगा, ये प्रोडक्ट जो हमारे पास बन के जो है वो आएगा, ठीक है, जब हम क्या करेंगे पायरोल का जो है वो क्या करेंगे ऑक्सीडेशन करेंगे, तो ये वाला प्रोडक्ट, बहुत ही ज़्यादा बेकार लिख रहा हूँ मैं, मुझे भी पता है, ठीक है, तो हमारे पास ये प्रोडक्ट जो बन के है वो रेडी हो जाएगा। तो ये थी कुछ पायरोल की रिएक्शन, और इसके साथ मैंने आपको बताया था कि पालनूर सिंथेसिस क्या होता है, नूर सिंथेसिस जो है वो क्या होता है, और ये वाली रिएक्शन ऐसे मत सोचना कि बहुत ही ज़्यादा इजी है, ठीक है, और आपको जो वो क्या होगा इजी है तो आप इसको जो है वो छोड़ दोगे, लेकिन एग्जाम में अक्सर यही पूछ ली जाती है, जो आपको MCQ क्वेश्चन पूछे जाएंगे ना उसमें सेमेस्टर एग्जाम में कई बार आपको ऐसी रिएक्शन दे दी जाएगी और ये प्रोडक्ट नहीं बताया जाएगा, तो आपको वहाँ पर प्रोडक्ट जो है वो बना के आना होता है। इसके बाद एक और रिएक्शन है, वो है फ्रेडल क्राफ्ट एसाइलेशन, ठीक है, उसको भी देख लेते हैं, फ्रेडल क्राफ्ट एसाइलेशन, वो भी पायरोल की है, ठीक है, फ्रेडल क्राफ्ट एसाइलेशन आप 12th से मेरे ख्याल से 11th या 12th में आप जो वो पढ़ते हैं। एक होता है एल्काइलेशन जिसमें एल्काइल ग्रुप अटैच होता है, और एक होता है एसाइलेशन, ठीक है, जिसमें एस्टाइल ग्रुप जो वो अटैच होता है, एसिटाइल ग्रुप, ठीक है। तो ये हमारे पास पायरोल, ये बना दिया छोटा सा पायरोल, और हमने क्या किया एसिटिक एनहाइड्राइड की प्रेजेंस में CH3CO इसका ट्वाइस, और ये ठीक है एसिटिक एनहाइड्राइड की प्रेजेंस में हमने क्या किया पायरोल को जो वो रिएक्ट करवाया, तो हमारे पास एसिटाइल ग्रुप जो होगा वो सेकंड पोजीशन पर पायरोल की क्या हो जाएगा अटैच हो जाएगा, ये हमारे पास CO CH3, ठीक है, इसको बोलते हैं 2-एसिटाइल पायरोल, ठीक है, 2-एसिटाइल ग्रुप, और ये पूरा आ गया पायरोल, ठीक है, क्या बोलते हैं इसको 2-एसिटाइल जो है वो पायरोल, इसको हम क्या करते हैं बोलते हैं, ठीक है, 2-एसिटाइल पायरोल। तो ये थी हमारे पास कुछ एक रिएक्शन ऑफ पायरोल के बारे में जो कि मैंने आपको बता दी। तो अब नेक्स्ट वीडियो में जो हम कुछ पायरोल की थोड़ी और रिएक्शन कवर करने वाले हैं, जैसे कि राइमन टाइमन रिएक्शन जो है बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, विद मैकेनिज्म उसको भी मैं आपको डिस्कस करवाऊंगा, और थोड़ी 2-3 रिएक्शन आई थिंक कुछ और बची होगी, और उसके बाद जो हम फ्यूरन के बारे में जो वो डिस्कस करने वाले हैं। तो आज की वीडियो में हमारे लिए आपके लिए जो वो इतना ही था, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।